यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के भीतर विरोध की आवाज उठने लगी है, जिसको लेकर अब सपा मुखिया लगातार तंज कस रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भाजपा नेताओं की चुटकी ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों में दलदल में धंसती जा रही है। इस पोस्ट के बाद बुधवार देर रात करीब 11 बजे अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लौट के बुद्धू घर को आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि आखिर अखिलेश यादव ने किसे बुद्धू कह दिया। हालांकि कुछ लोग अखिलेश यादव के इस पोस्ट को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जोड़ रहे हैं, क्योंकि बुधवार को ही केशव मौर्य दिल्ली में हाईकमान से मिलने के बाद लखनऊ लौटे थे। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार और संगठन में बढ़ती तल्खी को लेकर दो दिन पहले केशव मौर्य को जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया था, जहां दोनों के बीच एक घंटे तक बातचीत हुई। आपको बता दें कि केशव मौर्य ने 14 जुलाई को भाजपा कार्यसमिति की बैठक में बयान दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं। इसी बयान के बाद सीएम योगी ने कहा था कि चुनावी नतीजों से सरकार पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। दोनों नेताओं के बयान के बाद पार्टी के भीतर अंतर्कलह की खबर सामने आने लगी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिन पर दिन कमजोर होती भाजपा में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है, भाजपा खेमों में बट गई है। भाजपा के एक नेता महोदय अपने ही शीर्ष नेतृत्व के दिए नारे को नकार रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, जो उछल कूद कर रहे हैं वो बिठा दिए जाएंगे, तो कोई कह रहा है संगठन सरकार से बड़ा है, तो कोई सहयोग दल हार का कारण दिल्ली लखनऊ के नेतृत्व के ऊपर डाल रहा है, कोई वीडियो बनाकर बयान दे रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है। भाजपा में एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है, सबकी डोरी अलग अलग हाथों में है। भाजपा में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है, इंजन ही नहीं अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार भाजपा के भीतर चल रहे घमासान पर तंज कस रहे हैं। अब तो उन्होंने एक बार फिर भाजपा नेताओं के लिए मॉनसून ऑफर निकाला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश यादव लगातार भाजपा नेताओं में फूट डालकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने फिर एक बार डिप्टी सीएम केशव मौर्य को 100 विधायक तोड़कर लाने का ऑफर दिया है। पहले भी अखिलेश यादव एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जो भी भाजपा के 100 विधायक तोड़कर लाएगा उसे वो सीएम बना देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।